मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो पूरे पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2 का आज हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो पहला इसके अंतर्गत आपके लिए अध्याय है जिसका शीर्षक है हरियर काका। इसके लेखक जो मिथिलेश्वर हैं, तो चलिए हरियर काका एक लंबी कहानी है तो हम उसे संक्षिप्त में विवरण करने का जो है प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, हरियर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित मार्मिक कथा है। पहले हमने विस्तृत अध्ययन किया है तो आज हम क्या करेंगे, उसका संक्षिप्त जो सारांश है उस पर चर्चा करेंगे। मार्मिक कथा है, ठीक है। जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है। उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। तो इसका सारांश देखिए, हम अंश वाइज जो है अंशों को प्रकाशित करते हुए देखेंगे तो आपको जो है परीक्षा में इजी होगा। कथावाचक और हरियर काका का संबंध, तो आपको पता है कथावाचक जो है पहले छोटा था तो हरियर काका उसे बहुत प्यार करते थे और जब भी वह खेल कूद करता तो उसके साथ होते थे, और जब वह युवावस्था में बन गया कथावाचक तो पहला उसका मित्र जो है हरियर काका ही बने थे। काका के प्रति कथाकार की चिंता, देखिए हरियर काका जो है जब उसे मिलने आते हैं कथाकार, उस समय जो मौन बहुत थे वो, और कुछ बातें नहीं करते थे, केवल आकाश की ओर देखते थे। तो उसकी पिछले बातें जो है याद आती हैं, ऐसे इसकी हालत क्यों हो गई है और क्या हो गया, ऐसे इस तरह क्यों बैठे हुए हैं, कितने अच्छे हमें छोटे थे तब खिलाया था, और जो मेरे पहले मित्र बने थे इस तरह मौन है, किस वजह से है, यह चिंता उन्हें सताती थी कथावाचक को। ठाकुर बारी का इतिहास, ठाकुर बारी जो है एक भव्य मंदिर है। पहले बहुत ही छोटा मंदिर था, मंदिर नहीं था, वहाँ पर एक साधु जो है वहाँ पर नियत यानी प्रतिदिन जो है पूजा करता था। बाद में वह जो है वहाँ पर जो है एक मंदिर जो है बनवा देते हैं। ठाकुर बारी का महत्व, तो देखिए जैसे जैसे ठाकुर बारी का महत्व बढ़ने गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मन्नत मांगने लगे। मन्नत मांगने पर जो है उन्हें जो है सफलता मिलती और वहाँ पर बहुत सारे भोग जो हैं चढ़ाते। कोई कोई तो जो है बीघे, अपने जमीन के बीघे जो हैं वहाँ पर दान में दे देते, और त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी कार्यक्रम हो, पहले इस ठाकुर बारी को ही नैवेद्य देकर जो है आगे का काम जो है यह करते थे। इस तरह इसका ठाकुर बारी का महत्व था। ठाकुर बारी के प्रति कथाकार का नजरिया किस तरह था, वहां पर जो है कथाकार का नजरिया बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि ठाकुर बारी जो है अब भव्य विशाल मंदिर बन गई है। वहाँ के जो सामंत हैं, वहाँ के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वे आजकल क्या कर रहे हैं, केवल जो भोग पर आया हुआ पैसा धन दौलत वह उसमें अय्याशी में डूब गए हैं। जो भी भोग चलाते हैं उसी पर खाकर फूल गए हैं, उनको कोई दूसरा काम नहीं है, ऐसे उनका जो है सोचने का जरिया था। हरियर काका का परिवार, तो हरियर काका का परिवार जो है यह कुल मिलाकर 4 भाई थे, और 4 भाइयों में से सभी की जो है विवाह हुई थी, और उसमें हरियर काका जो है पहली बीवी जो है पहली पत्नी जो है अकाल मृत्यु होने के कारण जो है दूसरी बीवी उस दूसरी पत्नी को विवाह करते हैं, लेकिन उसका भी जो है मृत्यु हो जाता है और वह एक निसंतान है, उसकी कोई औलाद नहीं है। बाकी तीनों भाइयों की जो है शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। तो इस तरह और सभी का जो ध्यान है हरियर काका उनके साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि वह उनकी उम्र ढल गई है और पूरा जो देखभाल का जिम्मा है वह उनके भाइयों और पत्नियों पर थी। हरियर काका का मुसीबत,
देखिए हरिहर काका का मुसीबत किस प्रकार था, जो परिवार उनके थे कभी कभी हर बार वह नहीं देखते थे उसे, क्योंकि जब वह स्वयं अपना काम करते थे, जब मुसीबत ऐसी आती कि वह जब बीमार पड़ते तो उनका हाथ पैर उठता नहीं था, तो कोई भी आकर उसे पानी तक देने वाला कोई नहीं था, उसके बावजूद भी वह अपने परिवार के साथ खुशी थे। तो इस तरह उनकी जो है मुसीबत थी, जब वह बीमार पड़ते तो उनका खुद का काम जो है करना बहुत ही मुश्किल होता, कोई भी उसे पानी भी नहीं ला कर देता था। काका का मोहभंग किस प्रकार हुआ देखेंगे। अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का उनके प्रति मोहभंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, मगर हरिहर काका को वही बात और आचार परोस दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। देखिए तो उनको गुस्सा आया, क्योंकि मृष्टान्न भोजन जो है उनको नहीं दिया गया, वही पुराना वाला ही जो भोजन उनके लिए दिया गया। हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत, तो इसी बीच महंत को यह सब घटना पता चली। वह अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उसने जो है तरह तरह के उसे जो वहाँ पर संसारिक मोह माया के चक्कर से दूर रहने के लिए जो है बात उन्होंने किया। तो देखिए उन्होंने प्रलोभन, उनको फंसाना लुभाना आकृष्ट करने के लिए क्या किया, महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन। ठाकुर बाड़ी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपने जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे और ठाट से ठाकुर बाड़ी में रहे, तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएगा, लोग उनकी आरती करेंगे। ऐसे प्रलोभन जो है लुभावने बातें उसे हरिहर काका को किया। हरिहर काका के भाई भाइयों की चिंता, तो वह खेत से लौटकर आने पर उनको पता चलता है कि हरिहर काका जो है अपना जो घर छोड़कर चले गए हैं। तो उसे उन समय जो है उनको बहुत चिंता होती है। वो ठाकुर बाड़ी में हैं कहने पर वो फटाक से जो है वहाँ पर जाते हैं। हरिहर काका घर वापसी और सेवा सत्कार, तो इसी बीच जो है वहाँ पर सभी भाई जाकर उसे जो है अच्छे अच्छे बातें कर कर माफ़ी मांग कर जो है फिर से उसे घर लाते हैं। और उनको पता था कि यह उनके पास जायदाद है, तो उसके लिए अच्छी खातिरदारी करना है। उनको पत्नियों को भी वह बताते हैं, तो उसे अच्छी तरह से फिर से जो है वहाँ पर पहले से भी बेहतर जो है सत्कार, खाना पीना सब कुछ अच्छा देने लगे थे। गांव वालों की जिज्ञासा, इसी बीच जो है गांव वालों की यहाँ पर जिज्ञासा है। यहाँ पर दो भाग बन गए हैं। एक भाग जो है साधु संतों की है, उनका कहना था कि लोगों का कि ठाकुर जो है अपना जायदाद, हरिहर काका का जो जायदाद है वह ठाकुर बाड़ी के नाम पर लिख देना चाहिए, इससे उनका जो है वह उनका नाम जो है अमर रहेगा। एक जो है जो आदर्शवादी और जो किसान लोग हैं वो उनके जो भाई हैं उनके यहाँ तक जो उनके साथ थे उनके नाम पर ही वह जायदाद जो है लिखना चाहिए। ऐसे दो भाग यानी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उनमें थी। काका का फैसला, इसी बीच देखिए हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी, उनका जीवन नरक बन गया था। तो देखिए जो है उनके उम्र ढलने के पहले ही उन्होंने जायदाद दूसरों के नाम करने से उनका जो है कुत्ते का हाल जो है हो गया था। वहाँ पर इसका जो है शब्दों का वर्णन किया गया है। यह हरिहर काका को पता चला और कथाकार से उन्होंने बातचीत करने पर यह फैसला लिया कि मैं
मरने तक जो है किसी को जायदाद जो है बंटवारा नहीं करूंगा। महंत द्वारा काका का अपहरण। इसी बीच देखिए हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवाया, क्योंकि उसने फैसला किया था कि इसी के नाम पर जो है वो जायदाद नहीं लिखेगा। उसने जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। देखिए उन्होंने अपहरण करके जो है उसके जबरन जो है अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका का महंत की इज्जत करते थे, पहले जो है उसका इज्जत बहुत करते थे। इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुर बारी से नफरत हो गई। इससे जो इस घटना से उसने पूरी तरह जो है महंत से नफरत करने लगा। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुर बारी से काका को मुक्त करवाया। तो वहां पर पुलिस बुलाकर जो है उनसे मुक्त करवाया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश किया। तो इसी बीच देखिए आगे क्या होता है, हरिहर काका का नजरिया बदला। तो देखिए इसी बीच जो है नजरिया यानी उनका जो पहले सोच थी वह बदल दिया। कैसे देखिए, उक्त घटनाओं के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुर बारी के प्रति जो तो पहले ही विमुख हो चले थे यानी बच चलना, अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है, सभी स्वार्थी हैं। देखिए उनके भाई भाईजन भी हैं या ठाकुर बारी के महंत है, ये केवल जायदाद के लिए ही ऐसे कर रहे हैं, सभी स्वार्थी हैं। उनको समझ में आया, उनका इरादा मजबूत हो गया था कि अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसी बीच जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन, अपने यानी कितने दिन तक सहते उनके भी भाई जो हैं उनके ऊपर टूट पड़े। देखिए हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की जमीन नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया, यानी किस तरह देखिए, एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखे सुनकर लोगों ने उन्हें आजाद करवाया। इस घटना के बाद तो काका को मोह भंग हो गया, यानी किसी के ऊपर जो है मोह नहीं रहा, चाहे उनके महंत हो या उनके सगे भाई हो, वो मोह भंग हो गया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसके बाद जो है दोनों तरफ से उसे जो है जान की जान लेने की जो धमकी थी, इसी वजह से वो जो है उनको पुलिस की सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगा, अपने भाइयों के परिवार से वह अलग रहने लगा। हर तरफ हरिहर काका की ही चर्चा। इस तरह देखिए गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की ही चर्चा थी। लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों के मिल जाएगी, कोई कहता था कि जमीन ठाकुर बारी को मिलेगी। गांव का वातावरण गर्म हो गया था। देखिए दोनों ने जो है उनके सगे भाई हो या महंत हो, जबरन अंगूठा जो है ले लिया था, तो लोग में यह चर्चा थी कि वह जमीन जो है अपने भाइयों को दे देगा और कुछ लोग कहते कि वह महंत यानी ठाकुर बारी पर लिख देगा। और इसी बीच जो है हरिहर काका का मौन, ये सब घटना देखने के बाद जो है हरिहर काका मौन हो गए। किस प्रकार देखिए, इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते, देखते रहते एक चुप। ठीक है, उन्होंने एक नौकर रख लिया है। इसी बीच जो है एक उन्होंने नौकर रख लिया है, वही उनका ख्याल रखता है। इसी बीच जो है वह परिवार से दूर रहने लगे हैं और एक नौकर को रख लिया है और किसी से वह बात नहीं कर रहे हैं, केवल मौन रह रहे हैं। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज कर रहे हैं। तो देखिए पुलिस भी वहां पर मजे से है, क्योंकि उनका जो उत्पन्न है वह किस पर खर्च करे, क्योंकि परिवार से वो बाहर आ गए हैं, तो पुलिस जो है उनकी रक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी जो है खातिरदारी करना पड़ता है।
तो इसी बीच जो है हरियर काका भी मौन हो गए हैं और किसी के संपर्क में नहीं है, और वह पुलिस को जो है वो भी मजे में है क्योंकि उनकी रक्षा करते करते उनका जो कुछ भी जो पैसा है वह भी खर्च कर रहे हैं, एक नौकर है। इस तरह हरियर काका द्वारा जो है मिथिलेश्वर ने बहुत ही बखूबी सी जो है जायदाद की समस्या जो है जायदाद से किस तरह जो जायदाद होने वाले व्यक्तियों को जो है समस्या होती है यहाँ पर अच्छी तरह से जो है अच्छे ढंग से वर्णन यहाँ पर हरियर काका द्वारा किया गया है। तो इस तरह आज हमने हरियर काका का जो है संक्षिप्त जो विवरण है आज हमने किया है। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।